हम इस वक्त बहराइच के नवन गरेठी गांव में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे ये वो घर है 2.5 वर्षीय अंजलि का। गन्ने के खेत में उसका शव मिला है। उसका एक हाथ भेड़िए ने खा लिया था, दूसरा हाथ आधा खा लिया था। यहाँ पर आज मातम पसरा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घर पूरा का पूरा फूस का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पर शायद अगर इनको आवास मिला होता, इनके घरों में दरवाज़ा लगा होता, तो शायद आज अंजलि इन लोगों के बीच में मौजूद होती। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे और जानेंगे ऐसी क्या मुसीबत थी जो इनको आवास नहीं मिल पाई, और क्या ऐसी घटना हो गई जो इनकी बच्ची आज इनके बीच में नहीं है। चाची, क्या नाम है आपका? राधा देवी। ये बताइए, ये जो घर आपका बना हुआ है, तो आवास से बना है कि आप लोगों ने बनवाया? आवास से नहीं बनना है। आवास से नहीं बनना? आवास क्यों नहीं? हम तब नहीं पाए हम, इनका कब का प्रावधान नहीं दिए हैं। अच्छा, आवास अगर होता तो दरवाजे वगैरह लगे होते? अब आवास पैन हुई है तो नंद हमारे पैन हुई है, हमारे सबके नाइप मिला है आवास, हमका सबका हमारे सबके वैसे है। इधर से भेड़िया आया था? इधर से। कहाँ पे बच्ची सो रही थी? बच्चे रहे जैसे आपके गरीब हैं, उठी कोहनी नाई है, कुछ जो बच्चा जावे कि कमरा में है, दरवाजा लगावे। आज के जब मंजूरी कर रहे हैं तब चार बच्चे जावत कहाँ तक धरा है वर्णना, और दुनिया का वर्णना इनका वर्णना नहीं है। तो चार बच्चे हैं तो जो 10 रुपया कमाए नहीं है, तो बच्चन के लिए दवा पानी खाना पानी सब व्यवस्था की, दरवाजा लगावे, तो ये बताइए मकान बनावे। आवास नहीं मिला? आपकी आवाज नहीं मिला, जिसे मिला रहा है जब पहले दिन में है तो पैरा घर है, लौट कर नहीं मिला। यहाँ जिस जब से छोटे छोटे बच्चे रही, हमारे बहन के 4 लड़का रहे, हमारे उनकी पिता खत्म हो गई। अच्छा, ये बताइए अगर दरवाजा लगा होता तो बच्चे कहे जाते? बच्चा दरवाजा बंद कर लेती, अम्मा लेके अम्मा पहुर रहा तो यू कहे जिसे पेट जाए। अंजलि के पिता क्या करते? मंजूरी करते जब वैसे कमा। ये अंजलि की माँ है, देख लीजिए, वो बेहोश है, बात करने की अवस्था में नहीं है। अंजलि के बाप। और आप कौन है अंजलि? हम अंजलि की दादी हूँ। अंजलि की दादी। यहाँ और भी घर ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिले, दरवाजे नहीं लगे, सिर्फ आपका घर है जो हमारी बहन के है। हम यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तेजा जी, आपको आवाज मिला? हाँ हाँ, नया आवाज मिला। घर में दरवाजा लगा? हाँ हाँ, नहीं है। तो भेड़िया आ जाएगा तो कैसे बचाएंगे बच्चों? आई गया है कि आई जात रात में, पहले हमला हुई तो भवा है भेड़िया आई आपके यहाँ? हाँ, आपके हमरे यहाँ भवा है, बगल में घर है। तो अंदर आ गया था? अंदर नया ऊपर लाग रहा, खटिया लाग रहा, खटिया से जब मारी से तब उखा जाता। खटिया कहाँ पर लगी? वो दे दिखाई दी सामने आओ। तो ये क्या नाम बताया आपने? शहजहाँ जी हैं, इनका भी घर है, बता रहे इनको भी आवाज़ नहीं मिला है। और इनके दरवाजे पर चारपाई लगी हुई थी, उसी चारपाई की वजह से भेड़िए ने जब इनकी चारपाई पर धक्का मारा है, ये देखिए, ये भेड़िया का पंजा है, ये देख लीजिए उसके निशान बने हुए हैं। सबसे पहले भेड़िए ने यहीं पर दस्तक दी है, लेकिन यहाँ पर वो चूक गया, उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि इस गेट पर चारपाई लगी हुई थी, हालांकि दरवाजा नहीं लगा था। तो यहाँ भी देखिए बच्चों के झूले पड़े हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर वो मौका नहीं पाया। तो ये बताइए, ये दरवाजा क्यों नहीं लगा रखा? जब पैसा ना है मकबूल के पास तो ऐसा लगा ही दे। सरकार तो आवाज भी दे रही है, आवास मकबूल, कुट्टू जुमाई कुन्ना ये सब आवास ही ना है, पहले सबके घर ऐसे पड़े। हाँ, आइए आइए, एक चाची भी है, कुछ बोल रही है आवास को लेकर। चाची, क्या नाम है? हमारा नूरजहां। कौन सा घर है? यह है तो हाँ, यहाँ आए, लेकिन साहब हम बुढ़ाए गए। तो बताइए गेट दरवाजा क्यों नहीं लगवा रहा? तो जो हमारे थी पैसा ना आए है, तो हमारे लड़का तकलीफ में है, तो हम कहे के दरवाजा लगवा ले। तो आवास वगैरह दे रही है? तो हमका तो ये का आवास नहीं मिली है। हाँ, हम हमारी जिंदगी भी लान जाता है, हमका कोई न प्रधान न पंच न प्रधान। अंजलि की मौत हो गई है, भेड़िए ने दर्दनाक उसकी हत्या कर दी है। क्या आप लोग के दिल में क्या सोच है? हमारे दिल में सोच यू है की साहब घर बन जाए, अच्छा रहा, सब कोई सुरक्षित वहाँ रही, अपन पोती पोता लड़का देखी। कितने पोती पोते हैं आपके? हमारे पोता है 5-6। अच्छा, डर है? हाँ, डर का है ना है, अभी डर नहीं है। कैसे बचाते हैं? रात के लाठी डंडा से बैठ के बचाई थे। और दरवाजा कैसे बंद करती हैं? दरवाजा नहीं, खटिया लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, लाठी डंडा लगाए के यहाँ बैठी थे। खटिए से क्या बचा लेंगी? न बचा पाई बे। तो मैंने भैया का करी, तो उन बताओ सबको का जो उन बताओ तो उन करी। जब प्रधान पंच कोई कही नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, कोनो दे नहीं रहा है, तो का करे? यहाँ पर कुछ
पुरुष भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जीत साहब। घर कौन सा? गांव में। दरवाजा लगा है आपका? हाँ, दरवाजा लगा। आवास? आवास नहीं मिली। आवास नहीं मिला नहीं। तो दरवाजा कैसे? आपने अपने पैसे लगवाए? हाँ, अपने पैसे मेहनत से लगाए हैं। मिस्त्री भी है ना? अच्छा, आप मिस्त्री भी हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, आपके घर में कितने ऐसे गाँव होंगे जहाँ दरवाजे नहीं होंगे? जो जैसे जो ज्यादा जिसे आवास नहीं पाए हैं, गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत से कमाए रहे हैं, तो या अपने लड़कों को पाले, बच्चों को पालने की घर बनाए, तो इसमें क्या वही तो मजदूरी मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं, तो कहाँ घर बनवाए, कहाँ दरवाजा। अधिकांश जो घटनाएं देखी जा रही हैं भेड़ियों की हमलों की, वो ज्यादातर घरों में जो घुस जाते हैं जिन ग्रामीणों के यहाँ दरवाजे नहीं होते हैं। हाँ, जिनके यहाँ खुला पा जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो अगर ये ग्रामीणों के यहाँ सबके यहाँ अगर दरवाजे लग जाए या लगे, तो ये घटना नहीं होगी। जिसके पास दरवाजा पल्ला लगे है तो घटना कहाँ होगी? तो ये ग्रामीण थे, इनका साफ तौर पर कहना था अगर दरवाजे लगे हों, आवास ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना के तहत मिले हों, तो ये घटनाएं ना हों। अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन कब जागता है और इन ग्रामीणों को आवास और दरवाजे मिलते हैं। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।